उस टाइम पे जो ईगो होता है फिर वो अपनी भी शर्ट उतार देता है, और फिर इंसान जब उसकी टॉन्ट स्किन देखता है तो उसकी बॉडी पे आ जाता है, और उसको किस कर रहा होता है उसको नीचे करके उसके ऊपर आ जाता है, और उसको किस कर रहा तो बाइट कर रहा होता है अच्छा। और फिर जो ईगो होता है उसे कंट्रोल नहीं होता, वो अपनी भी पेंट्स उतार के इंसान की भी उसके साथ लव मेकिंग करने लग जाता है, और इंसान भी बहुत जोर जोर से माइनिंग कर रहा होता है, और उसको भी बहुत प्लेजर फील हो रहा था, और ईगो को भी दोनों ही बहुत अब एक दूसरे के अंदर बिल्कुल ही खो चुके। वो फुल नाइट लव मेकिंग करते हैं, और बहुत ही पैशनेटली पूरी रात उनकी फर्स्ट नाइट गुजरती है। और फिर नेक्स्ट डे जब उनकी आईज ओपन होती है और वो एक दूसरे को नेकेड देखते हैं, फर्स्ट तो वो शौक हो जाता है, और फिर उनको रात की मेमोरीज याद आने लगती है, और उसमें ना जो ईगो होता है उसको याद आता है कि इंसान कैसे उससे डिमांड कर रहा था फास्टर जाने की, और जो इंसान था वो खुद भी ऐसे ही कर रहा था, और उसको भी याद आ रही थी। तो वो ना अपना फेस छुपा लेता है ब्लैंकेट में, तो फिर ना जो ईगो होता है उसका ना फेस थोड़ा सीरियस होता है, और इंसान ये चीज़ नोटिस करता है कि ना ईगो ने कुछ बोला नहीं है। तो फिर वो ब्लैंकेट से अपना फेस निकाल के ईगो की तरफ देखते हैं, तो ईगो का फेस स्ट्रेट होता है, जिसे देखे ना थोड़ा जो इंसान होता है वो डर जाता है कि जो ईगो है शायद वो ऐसा नहीं चाहता था, या फिर अब वो उसे छोड़ देगा। वो इस तरह का कुछ सोच रहा होता है कि ईगो इस तरह का करना नहीं चाहता था, उससे मेरा यूज़ किया, या फिर ये सब कुछ जो भी उसके उसके और मेरे बीच में हुआ ये सिर्फ एक वन नाइट स्टैंड था। तो फिर ना वो ईगो की तरफ देख रहा था, और उसकी उसको पता नहीं चलता उसकी आँख से आंसू आ जाते हैं, जिसे देख के ना ईगो पैनिक करने लग जाता है। वो फौरन ही ना इंसान के आईज को वाइप करता है और उन पर किस करता है, और फिर इंसान की तरफ देखता है, और इंसान अभी भी ईगो की तरफ ही देख रहा होता है। तो फिर ईगो एक गहरी सांस छोड़ के कहते हैं कि जो रात को हमारे बीच में हुआ क्या तुम उसको मीन करते हो? तो जो इंसान होता है वो कुछ कहने की सिचुएशन में होता नहीं, तो वो कुछ बोलता नहीं। तो फिर ना जो ये भी होता है गहरी सांस लेता है, और फिर कहते हैं कि ना क्या तुम मेरे साथ वो सब कुछ करना चाहते थे? तो इंसान अभी भी चुप होता है। तो ये वो कहते हैं कि ना इंसान मुझे कोई जवाब दो, वरना ये ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए हमारे बीच में, जिसके लिए हमें बाद में रिग्रेट हो। तुम्हें तो पता है मैं अंडरस्टैंडिंग वाला पर्सन हूँ, तो मैं हर चीज़ को पहले क्लियर करना चाहता हूँ किसी भी डिसीजन पे जाने से पहले। तो जो इंसान होता है कहते हैं मैं हमारे बीच में रात को जो भी हुआ मैं खुद भी ये चाहता था। वो इस तरह कह के ना उसका फेस फुल रेड हो जाता है, वो ना ईगो की तरफ नहीं देख रहा था, और ईगो एक स्माइल करता है, और फिर इंसान की तरफ देख के कहते हैं कि अगर कल को कुछ हुआ तो क्या तुम उसके लिए रेडी हो? तो फिर इंसान कहते हैं सर हाँ में हिलाता है, और फिर कहते हैं और तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे? इंसान बोलता है, तो फिर कहते हैं अगर मैं प्रेगनेंट हो गई, क्योंकि हमने कोई प्रोटेक्शन यूज़ नहीं की। तो फिर ईगो ना इंसान के लिप्स पे हल्का सा पैक करता है, और कहते हैं हाँ मैं ज़रूर लूँगा, मैं कोई डरपोक इंसान नहीं हूँ जो भाग जाऊँगा। तो फिर ना और कहते हैं कि ना मैं रिस्पॉन्सिबल हूँगा मैं ही। तो ये इस तरह कहता है, और फिर इंसान को फिर से किस करता है, और फिर दोनों किस करने लग जाते हैं, और फिर वो वहीं पे दो सेक्शंस और ले लेते हैं। और उसके बाद फिर जब शावर लेने जाते हैं तो वहाँ भी लेते हैं, और उसके बाद जब टाइम देखते हैं तो आफ्टरनून का टाइम हो गया था। तो फिर कहते हैं हमें वापस जाना चाहिए, सब परेशान हो रहे होंगे। तो फिर कहते हैं इंसान कहते हैं सही कह रहे हो चलो। तो फिर उसके बाद फिर ना उसे चला नहीं जा रहा था, जिसे देख के ना ईगो हंस रहा होता है ज़ोर ज़ोर से, कहते हैं तुम पेंगुइन की चाल चल रहे हो। तो फिर ना इंसान को गुस्सा आ जाते, कहते ये हुआ किसी वजह से, तुम ही थे इतने रफ जा रहे थे। कहते ओ अच्छा, ईगो कहते हैं वो तुम ही थे, इंसान को चढ़ा रहा था। ईगो कहते तुम ही कह रहे थे डैडी फास्टर फास्टर डैडी प्लीज फास्टर मोर फास्टर, इस तरह चिल्ला रहे थे, और तुम मुझे कह रहे हो कि मैंने ऐसे किया। तो फिर ये सुन के ना इंसान का फेस फुल रेड हो जाता है, फिर पिल्लो उठा के ना ईगो के फेस पे मारता, और फिर कहते उठाओ मुझे। तो फिर ना जो ईगो कहते ओके ओके बेबी प्रिंसेस क्वीन माय एम्प्रेस, इस तरह बोलते हैं। और फिर स्माइल करते हैं, और फिर इंसान को उठा लेते हैं अपने ब्राइडल स्टाइल में अपने आर्म्स में। तो फिर इंसान ने अपना फेस छुपा लेता है, ब्लश हो रहा था वो बहुत ज़्यादा। और फिर ना उसको कार में लेके आता है ईगो को, ओहो ईगो लेके आता है कार में इंसान को, और फिर उसको बिठाता है, और फिर कार ड्राइव करके वहाँ पहुँचते हैं। और जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं तो फिर जो ईगो होता है वो अपने फ़ोन को देखते हैं, और देखते हैं कि उसका फ़ोन जो है साइलेंट पे लगा था, और उस पर 50 से अबव
मिस्ड कॉल्स थी नामजुल की, और जान अपना फोन देखते तो उस पे 100 कॉल्स से भी अबव थी जिनकी कॉल्स थी। तो ये देख के दोनों शौक हो जाते हैं कि ना है, हमें पता क्यों नहीं चला। तो फिर ना वो अपने फॉरेन रूप में आते हैं जहाँ पे ना उस टाइम तो कोई नहीं आता। तो फिर वो कुछ देर बाद बैठे रहते हैं, फिर उनके गेट पे कोई नॉक होती है उनके डोर पे। तो फिर जाके जान खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके कमरे में दर्द होता है तो वो लेट रहा है। तो फिर जाके ना ईबो खोलता है, और फिर ना वहाँ पे जिन नामसुन होते हैं। तो फिर कहते हैं तुम दोनों आ गए, हम काफ़ी देर से, हम हर 1 आवर बाद आके चेक कर रहे हैं और तुम लोग आ ही नहीं रहे थे, कहाँ गए थे तुम, क्यों नहीं आए। तो फिर ना इंसान कुछ बोल नहीं रहा था, और जो ईबो होता है वो ना झूठ कह देता है, कहते कि ना वो एक्चुअली हम रात को ना ज़्यादा ड्रंक हो गए थे तो हम वहीं ठहर गए थे, और फिर सुबह हमारे हेडेक हो रहा था जिसकी वजह से हम हमारी देर से आँख खुली थी। तो अच्छा कहते कॉल्स क्यों नहीं उठाई तुमने, जिन बोलते। तो फिर कहते हैं ना जान कहता है वो हमारा फ़ोन स्विच ऑफ हो गए थे, मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था, और जो ईबो का है वो साइलेंट पे लग गया था तो पता नहीं चल गया था। वो अच्छा ठीक है, आइंदा कभी भी ऐसा हो प्लीज़ हमें इन्फॉर्म कर देना, नामजन बोलता है। तो ईबो बोलता है ओके ब्रादर, इतना बोलता है फिर एक स्माइल करता है छोटी सी। तो फिर नामजन कहता है ओके ठीक है रेस्ट करो तुम लोग, हम जा रहे हैं। ये कह के ना जिन का हाथ पकड़ता और वहाँ से चला जाता है। ईबो गेट बंद करके पीछे मुड़ता है, तो फिर देखते हैं कि जो जान है वो गुस्से से ना ईबो को देख रहा है। तो फिर ईबो कहते हैं क्या मेरी तरफ ऐसे क्या देख रहा, कहते तुमने दोनों से झूठ क्यों बोला कि हम सो गए थे वहाँ, ये वाला। कहते हाँ तो तुम कहते थे, मैं बताता कि हमने रात को लव मेकिंग की और सुबह भी की जिसकी वजह से हम लेट हो गए। तो फिर ये सुन के जान का फेस फुल रेड हो जाते, कहते ईबो शेमलेस परवर्ट, ये बोल के ना उसको ना पिलो फेंक के मारता है। तो फिर ना ये बहुत हंसने लग जाता है, और फिर ना इंसान के पास आके बैठते हैं, और फिर ना उसको ना उसके पास आने लगता है किसका नेकल है। तो फिर ना इंसान कहता है पीछे जाओ, किसमें करना मुझे, मैं तो से नाराज हूँ। कहते बट क्यों, कहते तुमने अपने ब्रदर को भी नहीं बताया। कहते वक्त जैसे मुझे सही टाइम मिलेगा सही वक्त आएगा मैं बता दूंगा, फिकर नॉट। कोई बोलता तो फिर ना इंसान कहते पक्का, कहते यस श्योर। तो फिर कहते ओके फाइन ठीक है। तो फिर कहते आप किस कर लो, कहते नो नो किसेस टुडे एंड टुमारो ऑल्सो, ये बोलता है। फिर वहाँ से चला जाता है। तो फिर कहते नहीं बेबी प्लीज। तो फिर इंसान कहता है नो वे, और ये बोलते हैं। और अब हमारा टाइम स्किप होता है मैरिज डे का, जहाँ पे सब बहुत अपने अपने घर में रेडी हो रहे हैं और सब बहुत बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हैं। और जैसे ही वो मैरिज हॉल में पहुँचे हैं तो जैसे ही जेहब ने यूंगी को देखा है तो उसको तो वो देख के फुल मेस्मराइज ही हो गए, क्योंकि ये जो यूंगी था उसने एक रेड कलर का कोट पहना हुआ था, रेड पेंट कोट, और वो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। और ना उसने वाइट कलर की शर्ट पहनी थी जिसमें उसको और भी बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। और इसी तरह जेहब ने लाइट रेड के कंट्रास्ट में ऑरेंज पहना हुआ था, और ऑरेंज रेड कंट्रास्ट में इस तरह करके बहुत उसने भी कुछ इसी तरह के मिलते जुलते कलर्स पहने थे। और जो यहाँ